आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मौजूद होने की वजह है कलकत्ता डॉक्टर हत्याकांड और जनपद उधम सिंह नगर में एक डॉक्टर नर्स की हत्याकांड हुआ है, उसको लेकर आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार को, क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि पहले तो महिला सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए। जिस तरीके से हमारी रात में महिलाएं क्या कहते हैं नाइट शिफ्ट करती है, जैसे नर्सिंग स्टाफ होगी या हल्द्वानी में सुशीला तिवारी है, अन्य महिलाएं हैं जो रात्रि में वर्क करती है, उनके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए। सीसीटीवी कैमरा, पुलिस विभाग की पूरी उनकी एक छावनी कहें तो उनको आयोजित करना चाहिए उनकी रक्षा के लिए, ताकि जो ये जघन्य अपराध हो रहे हैं देश में, पहले उत्तराखंड में ऐसे अपराध देखने को नहीं मिलते थे और आज आए दिन उनकी सुनवाई होती है। हम कब तक कैंडल जलाएंगे, हम कब तक नारेबाजी करेंगे? ये बहुत ही सरासर नाइंसाफी है कि हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां खुलेआम सड़कों पर घूमती है, उनके साथ ऐसे जघन्य अपराध होते हैं। सरकार को इसके लिए कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। स्वतंत्रता दिवस वाले दिन जहां अपना देश आजाद हुआ था, वहीं हमारी बहन बेटियां आजाद नहीं है। हमारी सरकार से यही है, ये अपराध जल्द से जल्द रोके, इन पर रोक टोक की जाए। सरकार ने कानून तो सख्त बनाए हैं लेकिन उस पर फिर भी अंकुश नहीं लग रहा, क्या कहना चाहेंगे? कानून सख्त है मानते हैं, मगर जहां हमारी बहन बेटी सेफ ही नहीं है तो क्या फायदा इस कानून का, आप खुद बताइए। कोई फायदा नहीं है ना, जहां हमारी बहन बेटी सेफ नहीं है। आप रात तो छोड़ो, आप पहले कांड देख लीजिए, दिन में सेफ नहीं है। हमारी सेफ्टी के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम बाजपुर डिग्री कॉलेज के छात्र और छात्राएं मौजूद। फांसी मिलनी चाहिए, वरना इनकी तरफ से कोई ना कोई आ जाता है हत्यारों की तरफ से, इनको फांसी उसी होती नहीं है और छूट जाती है। ऐसे बहुत से कांड है, इन्हें फांसी होनी चाहिए। सरकार से हमारी ये गुजारिश है। बैठी नहीं है सीबीआई जांच, कब बैठेगी? जब क्या कहते हैं सबूत मिटा दिए जाएंगे। हाथरस में कांड हुआ, वहाँ सबूत मिट गए, कोलकाता में कांड हो रहा है, अभी तक सीबीआई जांच नहीं बैठ रही है। ये आखिर कौन से षड्यंत्र रच रहा है, इसके पीछे कौन है? सरकार को आगे आना पड़ेगा, सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले सीबीआई जांच बैठाई जाए, जो ये जघन्य अपराध कर रहे हैं उनको छुरी पर लटकाया जाए तुरंत के तुरंत। इनको एक दिन के अंदर इनके ऊपर मुकदमा हो, ऑन द स्पॉट इनको फांसी दी जाए। इनके लिए फांसी भी बहुत छोटी सजा है। Fuck you though!